नमस्कार, papamummykitchen.com में आप सभी का स्वागत है। मेथी की बहुत से लोग सब्जी बनाते हैं या पराठा बनाते हैं। आज मैं आपको मेथी और बेसन की भरमी पूड़ी बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप दही के साथ में, टमाटो केचप के साथ में, चटनी के साथ में खा सकते हैं। और कुछ भी नहीं हो तो आप कोरी पूड़ी भी खाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आइए बेसन और मेथी की पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। मेथी बेसन की पूड़ी बनाने के लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही आटा है जो कि हम रोटी बना करके तैयार करते हैं। इस आटे को हम एक बाउल में ले लेते हैं और 1 कप हमने पानी लिया, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसका आटा गूंद के तैयार करेंगे। पानी को कभी भी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ पानी डालेंगे तो आटा आपका गीला हो जाएगा। पूड़ी बनाने के लिए हम सेमी सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करेंगे। रोटी बनाते हैं उतना सॉफ्ट आटा नहीं होना चाहिए। अभी इसे ढक्कन लगा करके हम साइड में रख देते हैं और मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन को सेक के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून बेसन लिया है और गैस चालू कर देते हैं और इसको धीरे आँच में ही सेक के तैयार करेंगे। ज़्यादा तेज़ आँच में सेकेंगे तो बेसन जलने लग जाएगा और बेसन को कंटिन्यू चलाते रहे। बेसन को छोड़ देंगे तो बेसन नीचे से जल जाएगा और ऊपर वाला बेसन कच्चा रह जाएगा, फिर खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगा। जैसे ही बेसन सिकने लगता है तो अपने आप से उसमें अच्छी खुशबू आने लग जाती है बेसन की। अब बेसन को हमने स्लो और मीडियम आँच में 3 मिनट तक पका लिया है। बेसन अच्छा खुला खुला दिखने लग गया है, देखिए, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है इसका। अभी इस गैस को बंद कर लेंगे और इस बेसन को एक प्लेट में निकाल देते हैं। अभी मसाला बनाने के लिए हमने कढ़ाई ली है, इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। अभी 1/2 टीस्पून इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा हमारा अच्छा पकने लग गया है। अभी 1/4 चम्मच इसमें हम हींग डाल देते हैं। 2 हमने हरी मिर्ची को छोटा छोटा काटा है, ये भी इसमें डाल देते हैं। मिर्ची को इसमें छोटा छोटा काट के डालें। मिर्ची अच्छी पक जाती है तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा और इसी के साथ मिर्ची का तीखापन थोड़ा कम लगने लग जाता है। मिर्ची भी हमारी अच्छे से पक गई है। अभी मैंने 1 बंच मेथी का लिया है, जिसको मैंने अच्छे से साफ धो करके थोड़ी देर के लिए हमने कपड़े पे फैला दिया था, जिससे क्या इसके ऊपर का मॉइस्चर है ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाए। और इसको छोटा छोटा काट लिया है, अभी इसके अंदर डाल देते हैं। मेथी को इसमें अच्छे से इस तरह से पका लेते हैं। थोड़ी मेथी पक जाएगी तो सॉफ्ट भी हो जाती है। फिर पूरी के अंदर इसे भरेंगे तो बहुत सारी मेथी भर सकते हैं और खाने में उसका स्वाद अच्छा आएगा। अभी हमने 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो इसमें डाल देते हैं। यदि आप अदरक को कद्दूकस करके डालते हैं तो 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा आप ले सकते हैं और 2-3 लहसुन की कलियाँ को भी आप ले सकते हैं। ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, इसलिए हमने इस समय डाला है। अभी 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्ची डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं मेथी काफ़ी गीली लग रही है अभी तक, इसीलिए हमने पहले से बेसन को भून के रखा था, इससे मसाला हमारा थोड़ा सूखा सूखा बन के तैयार हो। और मेथी और बेसन की जो पूरी है वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। अभी जो बेसन हमने सेक के रखा था वो इसके अंदर डाल देते हैं। इस समय सिका हुआ बेसन डालेंगे तो बेसन कच्चा नहीं लगता है। देखिए अभी बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। इस तरह से बेसन को अच्छे से मिक्स कर लें। अभी लास्ट में इसमें हम 1/4 चम्मच गर्म मसाला डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं और सब मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी मसाला हमारा सूखा सूखा बन के तैयार हो गया। इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही फैला के रख देंगे, जिससे मसाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जब तक हमने मसाला बनाकर तैयार किया है तब तक हमारा आटा भी सेट हो गया है। देखिए आटा हमारा अच्छा सॉफ्ट हो गया इतनी देर में। इस आटे को एक बार वापस गूंद लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, तेल को सब जगह फैला देंगे और आटे को गूंद लेंगे। इस तरह से आटा गूंद करके तैयार कर लें। आटा देखिए बहुत ही सॉफ्ट दिखने लग गया है। अभी हम पूरी बनाना शुरू करते हैं। पूरी के लिए एक लोई तोड़ लेंगे। इस तरह से आप पहले सारे लोई तोड़ के रख सकते हैं। ऐसे आप जितना पूड़ी आपको बड़ी बनानी है उस हिसाब से आप लोई तोड़ करके तैयार कर लें। पहले 2-3 पूड़ी बना लेते हैं। ये नींबू के आकार की हमने लोई तोड़ ली है। इस आटे को साइड में रख देते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। इसे बेलने के सब ध्यान रखें, साइड में इसको पतला रखें, बीच में थोड़ा इसको मोटा रखें।
साइड में हमने इसको पतला रखा है, बीच में थोड़ा मोटा ही है। इस तरह से बेल के तैयार करें। फिर जो हमने मसाला बनाए हैं, थोड़ा सा मसाला लेंगे हम और इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। इसके बीचों बीच में मसाला इस तरह से लगा दें और इसको अच्छे से बंद कर देते हैं। इसे फ्लिट लगाते हुए इसको बंद कर देते हैं पूरा। बंद करके इसको इस तरह से दबा देंगे। अभी थोड़ा सा आटा इधर लगा के इसको बेल लेते हैं, हल्का से इसको बेल लेंगे। तो इस तरह की पूरी है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अंदर इसका मसाला जो भरा हुआ है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से बेल करके तैयार कर लेते हैं। बस साइड में हमारा तेल भी गर्म हो गया है और जो पूरी हमने बनाई है वो इसमें डाल देते हैं। आप इस तरह से पूरी के ऊपर तेल डालते रहें जिससे पूरी बहुत ही अच्छी फूट जाती है और ऊपर से पूरी पकती भी रहती है। देखिए पूरी बहुत ही अच्छी फूल गई है और दोनों साइड से इसको पलट पलट के लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। मेथी बेसन की कचौरी होती है, उस तरह से ये स्वादिष्ट लगती है। कचौरी वगैरह बनाते हैं तो उसके आटे के अंदर हमारे को मोइंड वगैरह डालना पड़ता है, इसके अंदर कोई मोइंड डालने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही स्वादिष्ट पूड़ियाँ बनती है। ये दोनों साइड से बहुत अच्छी पक गई है, देखिए इधर से भी अच्छी पक गई है और कचौरी की जैसे अच्छी फूल के तैयार हुई है। देखिए तो आपको हमारी पूड़ी की रेसिपी कैसे लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएँ। इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए YouTube पर पापा मम्मी किचन को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।